के हमारे श्रद्धे पूज्य महाराज श्री जो हमारे संत परंपरा के गौरव हैं, हमारे सन्यासियों के मुकुट जैसे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं हमको पूज्य महाराज जी। शुक्रनाथ जी महाराज जी ने जो अपनी गुरु परंपरा ऋषि परंपरा का गौरव बढ़ाने वाला जो कार्य है नशा मुक्ति का कर रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत हर्ष है। हमारे साधु संत महात्माओं ने लोगों को रोग मुक्ति से लेकर नशा मुक्ति से लेकर के उनके जीवन के जितने भी दुख दर्द थे उनको दूर करने के लिए, यही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब भाई रोग छूट गए, नशा छूट गया, जीवन के दुख और दरिद्रता मिट गई, मस्तिष्क का ज्ञान से, हृदय श्रद्धा से, जीवन अकर्मण्यता से, दोषों दुर्गुणों से, पराधीनताओं से मुक्त हो गया, यही जीवन मुक्ति है। और ये जीवन मुक्ति का दान हमारे महापुरुषों ने दिया है। और इस समय जबकि चारों तरफ, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो या देश हो, युवा नशे की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो गए, चाहे इसमें जो भी कारण रहे हो, वर्तमान का परिवेश कारण रहा हो, संगति कारण रही हो, या युवाओं का शिक्षा या उनका आगे का रोजगार या जो भी कारण हो, किसी भी कारण से, लेकिन नशा कोई समाधान तो नहीं हो सकता। और हिसार से लेकर के पूरे हरियाणा में भी महाराज जी अब इस अभियान को लेकर के आगे चल रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये इस समय का एक युग धर्म है और एक सन्यासी का भी धर्म है और ये ऋषि धर्म भी है, एक ऋषि कर्म भी है। और जिस प्रकार से हजारों लाखों युवाओं को पूज्य महाराज ने नशा मुक्त बनाया है, और युवाओं के साथ साथ आम जनों को, क्योंकि साधु के प्रति सबकी श्रद्धा होती है और साधु किसी बात को कहता है तो लोग छोड़ना तो चाहते हैं, क्योंकि हर एक की आत्मा में परमात्मा बैठा है। और हमारे तो लोग भाषा में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, वेद की भाषा में कहते हैं दृष्टवा रूपे व्याकृत सत्यानृत्य प्रजापति श्रद्धा मन रहते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। अपने आप ही मन से घृणा नफरत भी होती कि छोड़ दो, लेकिन वो छूटने के लिए कोई आलंबन चाहिए, किसी महापुरुष का आशीर्वाद चाहिए। तो ऐसे जब हमारे पूज्य श्रद्धे शुक्रनाथ जी महाराज जी जैसे महापुरुष जब उस अभियान को लेकर आके बढ़ते हैं तो लोगों को सहारा मिल जाता है उस दुख से पार उतरने का। तो पूज्य महाराज श्री के इस अभियान को मेरा प्रणाम, और ये कार्य ऐसे प्रशस्त होता रहे, एक दिन हम भी आप सबने आशीर्वाद देने आऊंगे हरियाणा कोथमठ में।